तो आई गेस जैसे कि आपको पता होगा, मैंने रिसेंटली में एक वीडियो डाला था लोन के ऊपर। जैसे कि व्हाट्सएप पे बहुत लोग को मैसेज आ रहा कि आपने एक लोन ले रखा है, अगर पेमेंट नहीं करते हो तो हम आपके सारे कॉन्टेक्ट को कॉल करेंगे। तो सबसे पहली बात, बहुत लोग डर जाते थे भाई, लिंक पे क्लिक करके डिटेल्स पढ़ना चाहते थे कि मतलब ये है क्या, इसको मैं डिटेल्स में थोड़ा देखूँ कि मेरे नाम से लोन कौन लिया है। तो भाई इसमें आपको डरने की कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे मुझे, जब से मैं वीडियो डालूँ आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ऑलमोस्ट 200 से 300 प्लस मैसेज आ चुके हैं भाई मुझे व्हाट्सएप पे कि भाई मेरे साथ ऐसा फ्रॉड हो रहा है, वो लोग पैसे मांग रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। तो उन सब से बचने के लिए आपको एक ही ऑप्शन है। पहली बात, अगर आपने लोन नहीं लिया तो उनसे सीरियसली पूछो कि आपका नाम क्या है, क्योंकि ऑफकोर्स वो होता है कि वो आपका नाम नहीं बता पाएंगे रियल। अगर रियल लिए रहेंगे तब बता पाएंगे। और उनसे पूछो मेरा नाम है, एड्रेस बता, तो मैं पे कर दूंगा। आप 1,000 क्या बोलो, आप 10,000 बोलो तो मैं 10,000 पे कर दूंगा। तो उनके पास आपका बायोडाटा है नहीं, तो लोग कहाँ से आपको देंगे। सेकेंड ऑप्शन आप उनसे ये पूछिए कि भाई अगर मैंने लोन नहीं लिया तो आप हमारे कंटेक्ट की क्यों कॉल करोगे। भाई मेन बात, आपको डरने की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सब फेक वेबसाइट होती है। क्योंकि कभी भी कोई भी कंपनी वाला आपसे ये नहीं बोलेगा, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करके बोलेगा कि भाई साहब आपका जो लोन रीपेमेंट है आप लोन पेमेंट कीजिए, व्हाट्सएप पे नहीं होता। हाँ, अदरवाइज एक दो बार कॉल आ जाता है, कॉल नहीं आती तो आपके खिलाफ नोटिस आता है। पहले आपको 3 महीने के लिए नोटिस दिया जाएगा कि भाई आपका जो 3 महीने से ऊपर हो गया है आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो। तो आपको डरने की कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत लोग ये डर के मारे मतलब पेमेंट कर देते हैं कि उनको धमकी देता है मैं आपके सारे कंट्रोल कॉल करूंगा। बोलो करो ना भाई साहब, मैंने जब लोन लिया नहीं तब क्यों करोगे। दूसरी बात, अगर करोगे तो भाई RBI के अनुसार अगर कोई बंदा लोन लिया तो आप उनके अदर कंटेक्ट डिटेल्स को कॉल करके ये नहीं बोल सकते, धमकी दे सकते कि भाई ये पर्सन लोन लिया है आप इनसे लोन पेमेंट करवाइए, क्योंकि ऐसा करने पे उनके खिलाफ एक्शन ले लिया जाएगा। तो आप लोग को डरने की कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बिंदास रहिए। और ऐसा मैसेज आता तो सीधा उन कंटेक्ट को ब्लॉक कीजिए, क्योंकि ये फेक डिटेल्स ले मतलब फेक वेबसाइट से ये लोग व्हाट्सअप एक्सेस लेते हैं। 10 10 मिनट के लिए वो व्हाट्सअप एक्सेस होता है। तो आप जिस नंबर से आपको व्हाट्सअप आ रहा है ना, वो अन्ना नंबर, उसको भी नहीं पता कि मेरे नंबर से व्हाट्सअप जा रहा है। क्योंकि कल मेरे पास भी एक बंदे ऐसे मैसेज आया कि भाई साहब मेरे पास मेरे व्हाट्सअप से बहुत हो, क्यों मेरे नंबर से लोगों को मैसेज जा रहा है। तो मैंने पूछा कि आपने किया क्या था, उसने बोला कि भाई मैंने यूसी ब्राउजर से मतलब व्हाट्सअप डाउनलोड किया था। मैंने उसको आपको चैट भी दिखा दूंगा, साइड में दिख जाएगा। तो उसने बोला मैंने यूसी ब्राउजर से व्हाट्सअप डाउनलोड किया, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ मेरे नंबर से सबको मैसेज आ रहा है और मुझे खुद नहीं पता। जब लोग कॉल कर रहे हैं भाई साहब आपके नंबर से मैसेज आया था लोन पेमेंट का, तो मैं बोला भाई ऐसा तो नहीं होता है। मैंने बोला आपको व्हाट्सएप डाउनलोड ही करना था तो प्ले स्टोर से कर लेते, ऐप स्टोर से कर लेते, आपको यूसी ब्राउजर में जाने की क्या जरूरत थी। तो मैंने उनको बोला देखो ये जो होता है ना फेक वेबसाइट होती है, जिससे आपका क्या करते हैं एक्सेस लेके किसी और को दे देते हैं पैसे लेके उनसे, तो आपके नंबर से मैसेज आएगा क्योंकि फंसेगा कौन जिसके नंबर से मैसेज गया। तो आप भी कोई बिंदास रहिए, आप अपने व्हाट्सएप पे 2FA वेरिफिकेशन ऑन कर लीजिए, यानी अगर कोई एक्सेस भी लेता है ना तो उसको पिन की जरूरत पड़ेगी आपका व्हाट्सएप ओपन करने के लिए। तो आप लोग बिंदास रहिए, क्योंकि ये सब फ्रॉड जो हो रहा है ना व्हाट्सएप के थ्रू हो रहा है, आपको धमकी दे रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, और आप डर के मारे उनको पेमेंट कर दे रहे। इससे पर बंदे की उसको पता है ऑलमोस्ट 5 से 6 हज़ार एक एक बंदे से ले रहे हैं। तो आप लोग देखिए सिंपल से इनके पास जो भी एक्सेस होता है व्हाट्सएप करना सिर्फ 10 से 15 मिनट का होता है। तो आप लोग टेंशन ना ले, क्योंकि ये जितने भी फ्रॉड वाले होते हैं ना, अब जैसे मैसेज आए आप इनको मतलब ब्लॉक कर दो, ताकि इनको ये भी पता चले भाई ये चीज बंदे में मैसेज कर रहा हूँ ना ये मेरे चंगुल में फंसने वाला नहीं है। तो लोग क्या करेंगे, सिंपल से आपको छोड़ के किसी अदर बंदे के पास जाएंगे। अगर आप उनसे डर जाएंगे, पूछेंगे भाई मैंने लोन नहीं लिया तो मैं पे क्यों करूँ, तो समझ जाते कि बंदे को अंदर थोड़ा डर महसूस हो रहा है। और मैं इसको, वो लोग क्या करते हैं आपके कॉन्टेक्ट में धमकी देंगे कि मैं आपके कॉन्टेक्ट को कॉल करूंगा अगर आपने मैसेज नहीं किया तो, हमारे पास सारा डाटा एक्सेस है। तो सिंपल से बात, जैसे आप लिंक पर क्लिक करते हैं ना आपका पूरा डिटेल्स उनके पास चला जाता है। तो कोशिश कीजिए कि लिंक पर आप ना क्लिक करें, साथ ही साथ ऐसे मैसेज आए ना आप इंस्टेंट उनको ब्लॉक कर दीजिए, बेटर ऑप्शन रहेगा।